हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का दो नियम होता है, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, यहाँ पर हमने लिख दिया है इसके दो नियम होते हैं। तो प्रथम नियम को हमने सबसे पहले ये लिख दिया है, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट करके ही आप, मतलब याद करके ही एग्जाम में जाएंगे। दूसरी बात, यहां पे भैया प्रथम नियम को हमने यहां पे लिख दिया है, तो अभी आपको यहां पे देखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इस फिगर को समझ जाना है, उसके बाद ये नियम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो भैया इस नियम से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, जो है विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, जो कि आप अगर देखे होंगे ना, तो बहुत ही आसानी तरीके से ये समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो भैया, मतलब यदि वो नई टॉपिक पढ़े हैं, तो भाई तब भी आप देखिए यहाँ से कैसे समझ में आता है। तो हमने विद्युत अपघटन में यही बताया था, सिंपल में कहें तो हमने यही बताया था कि जब हम क्या करते हैं, सेल या बैटरी द्वारा, इसमें क्या है, एक बर्तन है, और बर्तन में हमने विद्युत अपघटन का जलीय विलयन भरा हुआ है। विद्युत अपघटन का जलीय विलयन का मतलब, जल के साथ कोई विद्युत अपघटन पदार्थ मिल गया है, जैसे कि NaCl, और इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं, एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक। तो भैया जब क्या होता है, विद्युत अपघटन जो पदार्थ होते हैं वो आयनों में टूट जाते हैं। तो भैया जब हम इसमें से क्या करेंगे, सेल या बैटरी द्वारा आवेश प्रवाहित करेंगे, तो जैसे ही हम आवेश प्रवाहित करेंगे, तो जो धनात्मक वाला पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड, जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा उसकी ओर आकर्षित होगा, और जो ऋणात्मक वाला पदार्थ है वो किसके ओर भैया, तो वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होगा। इतनी बात तो हम जानते हैं। तो इसमें यही बताया है, जो फैराडे हैं उन्होंने यही कहा कि जो इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित या एकत्रित जो पदार्थों का भार होता है या मात्रा होता है, मतलब इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित या इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों की जो मात्रा होती है, वह उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो क्या होता है, जो पदार्थों का भार होता है या मात्रा होता है, वह उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। यही इन्होंने कहा, किन्होंने भैया, फैराडे ने। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित पदार्थों की जो मात्रा होती है या भार होता है, वह सेल या बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो इतनी बात यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है हमने, कि फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार। अब भैया फैराडे का प्रथम नियम किसका भैया पढ़ रहे हैं, तो विद्युत अपघटन का ही ना पढ़ रहे हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियमों के अनुसार, विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो विद्युत अपघटन की क्रिया में पदार्थों द्वारा, समझिएगा, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित या इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों की मात्रा या भार उस सेल या बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। एक बार और सुनिए, ध्यान से समझिएगा। इसमें यह बताया जाता है कि फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित पदार्थों की मात्रा उस सेल या बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। वही हमने लिखा है कि पदार्थों का जो भार होगा या मात्रा होगा या द्रव्यमान होगा, वह सेल या बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगा। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भैया आप रट कर याद करें, यहाँ से समझ के याद कीजिए। आप यही कहेंगे कि फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों की मात्रा या पदार्थों का भार सेल या बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। और वही हमने यहाँ पे लिखा है कि फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों की मात्रा या भार सेल द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं आपको यह नियम याद हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको फॉर्मूले के जानने का जरूरत है। अब भैया यहाँ पे W समानुपाती क्यों लिखा गया है? अब भैया यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, जो है जेड और क्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है कि W इज इक्वल टू जेड क्यू, जहाँ भैया जेड क्या है, तो भैया जेड है विद्युत रासायनिक
तुल्यांक, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे कि भैया जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। अब इतना बात आप समझ गए हैं। उसके बाद हमने जब विद्युत धारा पढ़ा था क्लास ट्वेल्थ में, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है भैया, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और यदि यहाँ से हम केवल क्यू का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा कि नहीं, I इंटू टी हो जाएगा। अब यही जो Q का यहाँ पे मान, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो Q का मान है, इस Q के मान को यदि हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो हम क्या लिख देंगे भैया, इसको हम लिख सकते हैं ना W इक्वल टू जेड आई इंटू टी, इतना भी हम लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है प्रथम नियम में, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो तीनों हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आशा करते हैं ये जो तीनों आपके फॉर्मूले हैं ये इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इतना बात हम समझ गए हैं, अब हम देख लेते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो भी बहुत आसानी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं द्वितीय नियम, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है द्वितीय नियम। तो यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, इसी फिगर से आपको द्वितीय नियम भी याद हो जाएगा, तो अभी आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या लिया है भैया, दो क्या लिया है, बर्तन लिया है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। अब भैया दोनों में हमने क्या लगाया है, विद्युत अपघट्य पदार्थ इसमें मिलाया गया है। तो इसमें यह बताया जाता है कि जब विद्युत अपघट्य पदार्थ यहाँ पे है, तो विद्युत अपघट्य में यदि हम सामान्य धारा मान लेते हैं भैया कि विद्युत अपघट्य AB है, और ये एक विद्युत अपघट्य है जो XY है, ठीक है। ये दो विद्युत अपघट्य है, मतलब विभिन्न विभिन्न क्या है, मतलब भिन्न विद्युत अपघट्य है। तो भिन्न या अलग अलग विद्युत अपघट्य में यदि हम सामान्य धारा प्रवाहित करते हैं, यदि हम समान धारा क्या भैया, समान धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, सामान्य धारा प्रवाहित करते हैं तो जो पदार्थों की मात्रा जो इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित होती है, मतलब इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थों की मात्रा उपस्थित होती है या पदार्थों का जो भार एकत्रित होता है, वो क्या होता है भैया, जो मतलब पदार्थों की जो क्या है मात्रा है जो इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित होता है, वह उसी पदार्थों के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, वह उसी के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यही उन्होंने बताया है, फैराडे ने द्वितीय नियम में क्या बताया कि भैया यही बताया कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में यदि हम सामान्य धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित जो क्या है, इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित एकत्रित पदार्थों की जो मात्रा है वह उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, यही उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे हमने वही बात लिखा है कि जब विद्युत अपघट्यों के, समझिएगा, जब विद्युत अपघट्यों में सामान्य विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर जब विद्युत अपघट्य तो लिया जाएगा, परंतु याद रखेंगे अलग अलग विद्युत अपघट्य लिया जाएगा, मतलब इसमें कुछ अलग विद्युत अपघट्य होगा और इसमें कुछ अलग विद्युत अपघट्य होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहां पे थोड़ा सा विभिन्न भी आप लिख सकते हैं, जब विभिन्न, ठीक है, जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में सामान्य विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित क्या होते हैं, पदार्थों की जो मात्रा होती है वह उसके तुल्यांकी भारों के क्या होती है, समानुपाती होता है, या आप कह सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। अभी हमने पढ़ाया है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसे हम नहीं कह रहे थे कि जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो वही है, या तो पदार्थों के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा या पदार्थों के विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होगा। तो यही हमने कहा है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, आप इस नियम को यही कहेंगे कि फैराडे के द्वितीय नियमों के अनुसार, फैराडे के द्वितीय नियमों के अनुसार जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में सामान्य धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों की मात्रा उस पदार्थों के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है या पदार्थों के विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है, यही बात आप लिखेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं ए बी पदार्थ के लिए भैया जो पदार्थों की मात्रा है, मान लेते हैं डब्लू वन है, तो ये किसके समानुपाती होगा भैया, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो मान लेते हैं तुल्यांकी भार ई है और वन के लिए हम कर रहे हैं तो ई वन हो जाएगा। अब यदि हम इसके लिए करें तो भैया इसके लिए क्या हो जाएगा भैया,
इसके लिए हो जाएगा जो भार होगा तो हम E2 लिखेंगे, और ये समानुपाती किसके होगा, W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा ना, दूसरे के लिए हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बात ध्यान देंगे आप कि यदि W1 अब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इक्वल का जब चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है कि ये E1 हो जाएगा, और इसको भी यदि हम नियतांक आता है तो वो क्या जाएगा कि आ जाएगा E2 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान देंगे, इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड मानते हैं, और यदि समीकरण फर्स्ट में सेकंड से हम भाग दे देते हैं तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, यदि हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, W1 बाई W2, W1 में W2 से भाग दे दिए, अब भैया यहाँ पे क्या बचा कि E1 भाई यहाँ पे क्या बच गया कि E2 बच गया ना, तो ये हमने अब भाग दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा K से K कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा W1 इसकल टू W2 इसकल टू क्या हो जाएगा E1 बाई E2, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मिला इसको आपको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है आपको इसको याद रखना है, और यही है भैया फैराडे का द्वितीय नियम, जो है विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए, और कुछ भी चीज़ रटने का नहीं, आप समझ कर ही इसको याद कर ले। तो चलिए दोस्तों मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है, तो मैं यही कहूँगा यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपके लिए एक नंबर यहां पे दिया जा रहा होगा, यहां पर इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप मांग सकते हैं, वहां पे आपको लिंक दे दिया जाएगा किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जिस क्लास का आप मांगेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।